हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी माय नेम शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल तो बस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हमारा एक टॉपिक बाकी था बहुत छोटा सा वीडियो है जो मुझे बच्चों को तक पहुंचाना था बोला भी था कि मैंने ये वीडियो बहुत जल्दी लेकर आ जाऊंगा तो चलो बॉस आज देख लेते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में क्या पढ़ना है बस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट सभी चीज आती है प्लानिंग और डायरेक्टिंग स्टाफिंग कंट्रोलिंग उनके सेपरेट वीडियोज में डाल चुका हूं तो so, यहां पर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर से जो सिलेबस में है जो हमें पढ़ना है वो है कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या होता है साथ में कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट ये क्या होता है ये हमें पढ़ना है साथ में इतने बच्चों को नहीं पता है कि हमारा एक एप्लीकेशन है जिसके ऊपर फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में मैंने सारे चैप्टर्स के नोट्स दे रखे हैं अगर तुमने अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो पता नहीं क्या कर रहे हो जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक है और फटाफट से अपने नोट्स डाउनलोड कर सकते हो साथ में, में मेरे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो सो एज टू गेट द अपडेट्स बाकी से पहले ठीक है तो चलो बॉस कोऑर्डिनेशन होता क्या है आइए देखते हैं कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है सिंक्रोनाइजिंग द एफर्ट्स ऑफ सब टू एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव जैसे मैंने डिसाइड किया है लेट से लेट से लेट से लेट से इस बार यह डिसाइड किया है कि मेरी कंपनी थर्टी परसेंट ग्रोथ करेगी लास्ट ईयर से तो आपके सारे लोगों के एफर्ट्स क्या आपके इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं उस चीज को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन सिंक्रोनाइजिंग द एफर्ट्स ऑफ सबोर्डिनेट्स टू इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन बात समझ में आई अब मुद्दे की बात यह है कि जो अगला क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूं वो पेपर में आएगा ही आएगा कुछ भी कर लो ये बाहें फैलाकर तुम्हारा इंतजार कर रहा है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में और स्कूल के एग्जामिनेशन में भी अगर तुम्हारे स्कूल में यह पर्टिकुलर क्वेश्चन आया था एग्जाम में तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना तो पता चल जाएगा बाकी बच्चों को कि यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या है कि जो कोऑर्डिनेशन एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कैसे है तो तुम्हें कोऑर्डिनेशन का यूज बताना है सारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर तो चलो शुरू करते हैं प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन क्या लगता है प्लानिंग कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन मास्टर प्लान एंड प्लान्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एक मास्टर प्लान होता है एंड देन प्लान ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन लगता है प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन कैसे लग रहा है समझ में आया आगे बढ़ते हैं इन ऑर्गेनाइजिंग देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में कोऑर्डिनेशन लगता है ऑफ एवरी इंडिविजुअल ये तो बात कर ली प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग की आते हैं स्टाफिंग में बात करने स्टाफिंग के अंदर क्या होता है कोऑर्डिनेशन इज अचीव्ड बाय बैलेंसिंग द स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ विद द जॉब्स विद्साइन टू देम मतलब जो बंदे आपने अपनी कंपनी में रिक्रूट किए हैं उनके स्किल के हिसाब से काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इसके बीच में कोऑर्डिनेशन लगता है और आगे आते हैं डायरेक्टिंग में क्या लगता है डायरेक्टिंग में कोऑर्डिनेशन लगता है बिटवीन सुपरविजन मोटिवेशन एंड लीडरशिप आर यूज्ड टू इंश्योर हार्मोनियस वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ठीक है बात समझ में डायरेक्टिंग में सारे एलिमेंट्स कैसे यूज हो रहे हैं सो so दैट एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हारमोनियस रिलेशनशिप बना रहे वहां कोऑर्डिनेशन लगता है आगे बढ़ते हैं कंट्रोलिंग में देखते हैं क्या हो रहा है इन कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन इज अचीव्ड बाय इंश्योरिंग द एक्चुअल रिजल्ट्स कंफर्म्स टू प्लान अस एज पॉसिबल मैंने एक प्लान डिसाइड किया था उसके हिसाब से काम हुआ है या नहीं हुआ है अगर नहीं हुआ है तो कितना प्लान तो आप चाहें तो एग्जैक्टली सेम आंसर अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखकर आ सकते हैं पूरे पूरे नंबर आपको मिल रहे हैं मैं थोड़ा सा हट जाता हूं आप पॉज करके ये आंसर पूरा नोट कर सकते